हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही नई रेसिपी बताने जा रही हूँ। आजकल के बच्चे जैसे पत्ता गोभी खा खा के पक चुके हैं, तो आज मैं इसे नए तरीके से आपके साथ बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पत्ता गोभी को क्रश करके यहाँ रख लिया है, और दो प्याज मैंने यहाँ पे कट करके लिए हैं, और एक हरी मिर्ची है, थोड़ा लहसुन लिया है, एक बड़ा टमाटर मैंने यहाँ कट करके लिया है, थोड़ा बेसन लिया है, और चार यहाँ पे मैंने प्याज और दो हरी मिर्च ली है जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, और थोड़े मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं, जैसे लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, थोड़ा जीरा और कुछ अजवाइन। अब मैंने ये जो चार प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर लिए हैं, इसकी हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर दो टमाटर, प्याज, मिर्ची और कुछ लहसुन लिया है। इसे हम एक साथ ही मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पत्ता गोभी के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हम इसमें पत्ता गोभी जो हमने क्रश की थी वो इसमें डाल देते हैं। अब इसमें दो बारीक जो हमने प्याज काट के रखे थे और एक हरी मिर्च जो काट के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं, और थोड़ा बेसन जो हमने एक बाउल लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब कुछ मसाले इसके अंदर डालते हैं, जैसे कि स्वादानुसार नमक मैंने लिया है, लाल मिर्च, अजवाइन और जीरा ये इसके अंदर डाल देते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पकोड़े के लिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल बहुत ज्यादा गरम भी नहीं करना है, इसे लो फ्लेम पे रखना है। ये रेसिपी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी मुझे जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी तो शुरुआत ही हुई, अभी तो हम बनाएंगे इस सब्जी को, नहीं बनी अभी ये। इनका कलर थोड़ा ब्राउन होने लगा है, अब हम इसे पलट देते हैं। मैंने इन सभी को पलट दिया है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमने जो पकौड़े बनाए थे उसी तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा लहसुन तो हमने ग्रेवी में डाल दिया था, और बाकी का थोड़ा लहसुन हमने कूट के इसके अंदर मैं डाल रही हूं, जिससे उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा जब चटकने लगे तो उसमें ये लहसुन कुटा हुआ डाल दें, इसे थोड़ा मिक्स कर दें, और एक पिंच मैंने इसमें हींग डाली है। इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाने के बाद हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमने पहले भी पकौड़ों में नमक डाल दिया था इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लो फ्लेम करके इसे ढककर रख देते हैं और ग्रेवी को अच्छे से पकने देते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ग्रेवी को बीच बीच में चलाते रहे ताकि वो नीचे चिपक न जाए। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ग्रेवी हमारी थोड़ी पक चुकी है। अब हमने जो पत्ता गोभी के पकोड़े बनाए थे इसमें ऐड कर देते हैं। यही तो है सीक्रेट मेरी रेसिपी का। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और 5 मिनट के लिए और इसे ढककर रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पत्ता गोभी के जो पकौड़े बनाए थे उसकी सब्जी बिल्कुल तैयार है। सर्दी में ये सब्जी खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना कि ये सब्जी कैसी बनती है, और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।